एवरी वन वेलकम बैक टू माइंड माइंड टूटोरियल सो वी आर स्टार्टिंग विद लर्न बिहेवियर टूडे इसको अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो बेसिकली दो तरह के बिहेवियर हो सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं तीन तरह के बिहेवियर हो सकते हैं जिसमें से पहला जो होता है वो होता है इननेट बिहेवियर इननेट बिहेवियर का दूसरा नाम होता है इनहेरिटेंस बिहेवियर हम इसको अभी डिटेल में जो वीडियो सेगमेंट्स से हैं वो दूसरे वीडियो सेगमेंट्स में डिस्कस करेंगे तो एक तो होता है इननेट बिहेवियर जिसको इनहेरिटेंस बिहेवियर कहा जाता है ये जो बिहेवियर होता है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसकी बर्थ से लेकर रहता है उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है दूसरा बिहेवियर जो होता है वो होता है लर्न बिहेवियर जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और जो थर्ड बिहेवियर होता है उसको फिक्स एक्शन पैटर्न कहा जाता है एफ ए पी फिक्सड एक्शन पैटर्न उसके बारे में भी हम दूसरे वीडियो सेगमेंट में डिस्कस करेंगे सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लर्न बिहेवियर और लर्निंग एंड मेमोरी करके जो सेक्शन होता है एनिमल बिहेवियर एंड न्यूरोफिजियोलॉजी पेपर में उसमें ये सारी चीज़ें आती है बेसिकली इसमें कंडीशनिंग हैबिचुएशन इंसाइड लर्निंग एसोसिएशन लर्निंग और रीजनिंग के बारे में बात की जाती है जो कि टाइप्स ऑफ लर्निंग कहलाती है तो स्टार्ट करते हैं आप टॉपिक को तो वो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं जो लर्न बिहेवियर होता है यानी कि जिस बिहेवियर को हम बर्थ के बाद जब कोई भी जो भी चाइल्ड है या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है जब उसकी बर्थ हो जाती है वो ग्रो कर जाता है या फिर वो उसकी यंगर स्टेज में होता है तो उसको लर्न करता है अगर बिहेवियर को फिर उसको वो बिहेवियर याद होता है तो ऐसे बिहेवियर को हम लर्न बिहेवियर कहते हैं यानी कि ये वाला बिहेवियर उस ऑर्गेनिज्म में अब उसकी बर्थ से लेकर खुद ब खुद से उसमें नहीं होता बल्कि उसको सीखना होता है तो ये बात होती है लर्न बिहेवियर की दूसरा नाम इस बिहेवियर को है एक्वायर्ड बिहेवियर क्योंकि हम इस बिहेवियर को एक्वायर कर रहे हैं हम इसको नया नया सीख रहे हैं इसी वजह से इसको एक्वायर्ड बिहेवियर कहते हैं किसी भी एनिमल का विच इट अटेंस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी लाइफ टाइम में उसकी पूरी जिंदगी में इस बिहेवियर को समझता है सीखता है उसको एक्वायर्ड बिहेवियर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम ह्यूमन में बात करें तो जो रोटी बनाने की प्रोसेस होती है अगर उसकी बात करें फीमेल्स में नॉर्मली तो किसी भी लड़की को अगर आप देखेंगे या गर्ल को देखेंगे तो तो वो अपने चाइल्डहुड से नहीं सीखती कि उसको रोटी कैसे बनाना होती है थोड़े टाइम बाद उसे याद होता है तो उस तरह के बिहेवियर को हम लर्न बिहेवियर कहते हैं क्योंकि उसने बाद में इस चीज़ को एक्वायर उसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो कि हमें समझने में ज्यादा क्लियर करने में हेल्पफुल होता है नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट को अब अकॉर्डिंग टू थॉर्प एक साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो लर्नड बिहेवियर होता है कैन बी डिफाइंड है तो उसको डिफाइन किया कि दैट प्रोसेस वीफेस्ट इट सेल्फ बाय एडेप्टिव चेंजेस इन इंडिविजुअल बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एक ऐसी प्रोसेस जो किसी इंडिविजुअल में आ जाती है और वो कैसे आ जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ़ एक्सपीरियंस जैसे जैसे उसे किसी चीज़ से एक्सपीरियंस होता जाता है तो वो चीज़ वो सीखता जाता है ऑर्गेनिज्म उसको लर्न बिहेवियर कहते हैं फॉर एक्जाम्पल हम छोटे होते हैं हमें नहीं पता होता है कि जो तो आग होती है उससे कैसे सेंसेशन हो सकते हैं जलने जलना क्या होता है ये सब नहीं पता होता है तो जब हम फर्स्ट टाइम अगर कभी किसी आग के कॉन्टेक्ट में आते हैं या फिर हमारा हाथ जलता है या हमारे बॉडी पे कुछ भी आग से कॉन्टेक्ट अगर होता है की तरह तो हमारी बॉडी ये उस टाइम पर सीख जाती है बाय बर्थ हमें नहीं पता होता कि यह आग है और यह हमारे लिए हार्मुल हो सकती है लेकिन थोड़े टाइम बाद हमें उस आग को अगर हम उसको सेंस कर लेते तो हमारी बॉडी उस चीज को समझ लेती है कि जो आग है यह हार्मफुल है और इस आग से आगे जाकर बच के रहना है तो ये ये जो आग है उससे हमने जो चीज नई से सीखी वो कहलाती है लर्न बिहेवियर तो ये वाली चीज यहां पर थी नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखते हैं दिस बिहेवियर इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल अटेन्स एक्सपीरियंसिस जो बिहेवियर रहता है ये जो लर्न बिहेवियर जो रहता है इससे हम जो भी ह्यूमन बींग है या जो भी इंडिविजुअल है ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक्सपीरियंसेस आते हैं जिससे एंड लीव देयर मार्क विच परमिट्स द इंडिविजुअल टू डेवलप न्यू अडेप्टेशंस और उस एक्सपीरियंस से हम कुछ ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं कि हम न्यू अडेप्टशंस हमें आ जाते हैं यानी कि आगे जाके ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उसमें कैसे सर्वाइव करना है कैसे बचना है अपनी जान किस तरह बचाई जा सकती है ये सारी चीज़ों से सीखी जाती है इन दी लाइट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसिस क्योंकि हमारे पास हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं हमें पता है कि अगर हमने कभी रोड पर गलत तरीके से गाड़ी चलाई या फिर हम लोग कुछ और कर रहे हैं जिससे हमको एक्सपीरियंस हो जाता है कि ऐसी चीज़ हमें आगे से नहीं करना है नहीं तो वापस से हमें वही प्रॉब्लम हो सकती है तो ये जो चीजें जिसमें हम पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते अपने एक्सपीरियंस से सीखते उसको लर्न बिहेवियर कहा जाता है देर इज अ वाइड वेरिएशन इन दी एबिलिटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स टू लर्न और हर तरह के एनिमल में अलग अलग तरह के वेरिएशन होते हैं कि वो किस तरह से सीखेगा कोई ऑर्गेनिज्म जल्दी सीख सकता है कोई कम धीरे kui palju siiksete , kui kamm siiksete , kui sada siiksete . जैसे एलिफेंट को कहा जाता है उसमें मेमोरी उसकी बहुत स्ट्रांग होती है तो कुछ एनिमल्स या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मेमोरी या फिर स्ट्रांग लर्निंग के हो सकते हैं और कुछ बहुत वीक होते हैं और कुछ बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं और कुछ थोड़े से कहना जी कम इंटेलिजेंट होते हैं हम कह सकते हैं उनका आई लेवल कम होता है तो ये सारी चीज़ें इसमें पर मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ अ लायन का बॉर्न क्वाइट हेल्पलेस इज शेल्टर्ड एंड फेड बाय इट्स मदर जब पहली बार एक लायन का कब यानी लायन का जो बच्चा होता है जब वो पहली बार पैदा होता है तो वो उस टाइम में बहुत हेल्पलेस होता है उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वो खुद से कुछ नहीं कर सकता तो उसकी जो मदर होती है वो उसको शेल्टर में लेकर जाती है उसको फीड करती है उसको खाना खिलाती है अनटिल इट कैन मूव अबाउट जब तक वो चल सके क्योंकि जब शुरू में कोई भी लायन हो कैट हो इनकी जो बेबीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं उनकी आंखें नहीं खुलती वो एक ही जगह पे रहते हैं उनसे मूविंग भी नहीं होती है तो अब ऐसी सिचुएशन में उसको शेल्टर में ले जाने का काम उसकी मदर का होता है उसको खाना खिलाने का काम भी उसकी मदर का होता है तो ये वाली चीज़ होती है नाउ इट गेंस एजिलिटी इन प्लेइंग विथ इट्स मेट्स और धीरे धीरे उसके अंदर एक एजिलिटी आ जाती है जिससे कि वो अपने मेट्स के साथ प्ले कर सके आपस में उसके जो भाई हो सकते हैं बहन हो सकती है सिबलिंग्स हो सकते हैं कहना चाहिए उसके मेट्स हो सकते हैं उनके साथ वो खेलना सीख जाता है तो ये चीज़ें तो इसमें क्या होता है इट हैज कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी uh, इसमें उसको कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है टू वॉच एंड कॉपी इट्स पेरेंट्स जिससे कि वो अपने पेरेंट्स को देखे और उनको देख कर सीख सके तो एक तरह का ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग टाइप की लर्निंग जो होती है वो इनमें पाई जाती है एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप और दूसरे मेंबर्स को भी देखकर वो बिहेवियर सीखता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है अगर हमें शिकार पकड़ना है तो शिकार हमारे पेरेंट्स कैसे पकड़ रहे हैं तो हम भी उसी तरह से करेंगे तो इट मे हंट इट्स इट्स सेल्फ फॉर स्मॉल लाइफ प्रे तो सबसे पहले वो क्या करता है एक छोटा सा प्रे अपने ड करके देखता है छोटी सी चीज को अपने को अपने लिए हैंड करके देखता है

क्लासिफिकेशन ऑफ लर्न बिहेवियर को सो देर वेरियसिंग सारी चीज आती है अच्छा एक बात और जरूरी है यहाँ पर डिस्कस करना किसी बच्चों को टेम का मतलब नहीं पता होता टेम का मतलब ये होता है कि ऐसे लाइन जिनको हमने डोमेस्टिकेट किया हो यानी उनको जैसे सर्कस का शेर है अगर सर्कस का शेर है तो बचपन से अगर उसके पेरेंट्स भी वहीं रहे वो वहीं पर पैदा

सबसे पहले वाले को देखते हैं हैबिचुएशन हैबिचुएशन मे बी कंसिडर्ड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे ईजियर फॉर्म जो होता है लर्निंग का वो हैबिचुएशन होता है हैबिचुएशन रिप्रेजेंट द रिडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस विच आर ऑफ नो यूज और हार्म टू द लाइफ ऑफ एनिमल हैबिचुएशन में क्या होता है किसी भी जो ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता है जो भी रिस्पॉन्सिवनेस होती है किसी भी चीज़ को कैसे रिस्पोंड किया जाना है क्या रिएक्शन दी जानी उसको रिडक्शन उसमें देखा जाता है हैबिचुएशन में जो कि आर ऑफ नो यूज़ और हार्म टू द लाइफ ऑफ द एनिमल इसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर एडजस्टिंग एनिमल्स बिहेवियर टू इट्स एनवायरमेंट ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिससे कि कोई भी एनिमल जो होता है उसमें एक बिहेवियर आ जाता है जिससे कि वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वो एडजस्ट करने लगे फॉर एग्जाम्पल जो मछलियाँ होती है अगर हम उनको एग्जाम्पल ले लें फिश का तो उन्हें बचपन से याद होता है हमें फिश हमें इस पानी में रहना है हमें यहाँ स्विम करना है जैसे किसी ह्यूमन को अगर हम बहुत देर तक अगर मान लीजिए वैसे तो वो उसके लिए एडेप्टेबल नहीं है पर फिर भी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें हमें पानी बहुत ज्यादा अगर हम स्विमिंग पुलिस में रहेंगे तो हमें भी ठीक नहीं लगेगा एक लिमिट के बाद हमें लगेगा कि लैंड पे जाना जरूरी है लेकिन फिश को अपने की आदत हो जाती है। वो अपने जिसे हैबिचुएशन कहा जाता है अपनी चीज को अपने इन्वायरमेंट को अपनी आदत में ले लेना हैबिट में ले लेना उसको हैबिचुएशन कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट हैबिचुएशन इन्वॉल्व नॉट द एक्विजिशन ऑफ न्यू रिस्पॉन्स बट लॉस ऑफ ओल्डो ये जो हैबिचुएशन की प्रोसेस होती है इसमें ना सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक्विजिशन होगा न्यू रिस्पॉन्स का हम नई चीज़ सीख रहे हैं सिर्फ वो होगा लेकिन साथ में जो लॉस होता है ओल्ड वंस का वो भी यहाँ पर होता है तो पुरानी आदतें जा सकती हैं नई आदतें आ सकती हैं सब कुछ हो सकता है जो हैबिट होती है उसी से हैबिचुएशन वर्ड बनाए तो उस पर फोकस करना है इन दिस केस वेन एन एनिमल इज रिपीटेडली given अ stimulus, जब किसी भी एनिमल को हम रिपीटेडली लगातार कोई स्टिमुलस देते रहे। स्टिमुलस का मतलब सिंपल होता है कि उस पर आप क्या कुछ रिएक्शन डालने की कोशिश कर रहे हो कुछ उसके ऊपर एक अफेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ से जिससे वो रिस्पॉन्ड करे उसको हम स्टिम्यूला कहते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक uh, कैट है फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कैट बनाने की कोशिश करते हैं तो जो कैट्स होती है अगर हम उसको लगातार कोई स्टिमुलस दे रहे हैं जैसे कि हम उसको उसकी जो टेल है उसके ऊपर टच करने की कोशिश करें तो वो एक तरह का स्टिमला है उसके लिए तो अगर हम किसी भी एनिमल को रिपीटेडली एक स्टिमुलस देते हैं तो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स उसके ऊपर आता है तो एक तरह से उसको रोज वही वही स्टिमुलस मिलता जाएगा तो शुरू शुरू में जो ऑर्गेनिज्म होगा एक रिस्पॉन्स उस पर देगा लेकिन वो रिस्पॉन्स ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाता है धीरे धीरे कम होता जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी जो लायन होता है अगर उसको शुरू में देखा जाए तो उसकी आदत होती है वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ में सर्वाइव करता है ओरिजिनली तो लायन वहीं का ऑर्गेनिज्म है जो की जंगल में रहना पसंद करता है और जंगल का राजा उसको कहा इसीलिए जाता है तो जो सर्कस के लायन होते हैं अगर उनको देखा जाए तो शुरू में क्या होता है जब उन वाइल्ड लाइन को सर्कस में लाया जाता है शुरू में तो वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं क्योंकि उनको वो सारी चीजें करने की आदत नहीं होती उनको जबरदस्ती सर्कस में लेकर आया जाता है तो बहुत परेशान होते हैं इस वजह से वो लायन शुरू शुरू में लेकिन धीरे 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 उनको सर्कस में रहने की यानी अपने नए इन्वायरमेंट में रहने की आदत पड़ जाती है तो सर्कस का जो लायन होगा वो वहां पर जाकर एडेप्टेबल हो जाएगा उसको एडेप्ट लेगा वो अपने आप को वहां पर यानी कि उसको आदत पड़ जाएगी वो अपने आप को हैबिट में ले लेगा उस चीज़ को और उसका हैबिचुएशन लर्निंग उसे कहा जाएगा तो अब वो पुरानी आदत को अब भूल जाएगा अब उसको अगर हम फिर से अगर देखा जाए तो हम कोशिश करें कि जंगल में लेकर जाया जाए तो उसमें वो आदत नहीं रहेगी वो शिकार करने की जो फास्टनेस उसमें रही होगी या उसके अंदर जो टैलेंट रहता होगा वो आर्ट जो उसमें होगा वो सब उसमें से चले जाएगा बल्कि वो अब सर्कस के लिए ही एडेप्टेबल हो चुका होगा तो इस चीज़ को हम हैबिचुएशन कहते हैं मैंने उसको बहुत ईजियर वे में समझाने की कोशिश करी अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं a snail moving across a sheet of glass retracts into its shell when the glass is stepped अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास यहाँ पर रखा हुआ है इस ग्लास के पास यहाँ पर एक स्नेल है जो कि आने की कोशिश कर रहा है तो अगर हम ये थोड़ा सा यहाँ तक इसके जो माउथ है ग्लास का वहां तक पहुंचता है अगर हमने इस बीच में ग्लास को टैप कर दिया उस पर टच करने की कोशिश करी थोड़ा सा मार कर देखा आफ्टर अ शॉर्ट पॉज वहां पर वो रुक जाता है और थोड़ा पीछे होने की कोशिश करता है वापस ये स्नेल पीछे होता है अब क्या होता है आफ्टर अ शॉर्ट पॉज थोड़े टाइम बाद वो जब रुक जाता है इट इमरजेस एंड कंटिन्यू स्क्रॉलिंग वो फिर से कोशिश करता है कि अब मैं इस ग्लास के अंदर फिर से जाऊं लेकिन फिर से हम क्या करते हैं इस ग्लास को टैप कर देते हैं एंड इट ऑल्सो causes रिट्रैक्शन फिर से क्या होता है इसी वजह से ये जो स्नेल था जो अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है वापस पीछे जाने की कोशिश करता है बट वेरी सुन इट इमर्जेस मोर क्विकली और फिर धीरे से वो बहुत एकदम से वो क्या करता है फिर तेजी से अंदर जाने की कोशिश करता है टैपिंग इज कंटिन्यूड लेकिन इस टाइम पे अब वो जब तेजी से ग्लास के अंदर जा रहा है हम तो भी टैपिंग लगातार यहाँ पर कर रहे हैं फॉर मेनी टाइम्स लगातार एंड इट इज ऑब्जर्व दैट द स्नेल्स रिस्पॉन्स डिक्रीजेज अब स्नेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई भी टैप कर ले मैं तो ग्लास के अंदर जाऊंगा और वो पूरी तरह से उसका रिस्पांस बंद करके एंड फाइनली उसका रिस्पांस बंद हो जाता है आया था। उसको आदत हो गई और वो आराम से उसके अंदर जाके बैठ गया उसने उस, उस पर कोई रिस्पॉन्स आगे नहीं दिया नेक्स्ट हम देखते दूसरा हमारे पास है क्लर्क नाम के जो साइंटिस्ट थे उनकी बात देखते हैं क्लर्क जो थे उन्होंने स्टडी की थी रिडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलस के धीरे धीरे रिस्पॉन्स जो तो कम होता है किसी ऑर्गेनिज्म में उसमें हैबिट जो आने लगती है वो क्यों होती है तो डेट इज हैबिचुएशन इन नैरीज उन्होंने नैरीज एक जो होता है उसका एग्जाम्पल दिया था इस ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले वो नैरीज को लेकर आए अब मराइन एना लीड एक तरह का एना लीड होता है सभी को पता है मराइन होता, होता है जो कि बरों के अंदर रहना पसंद करता है जो छोटे बिल होते हैं उसमें रहना पसंद करता है इन सी शोर जो सी शोर होता है टू लिव इन अ ग्लास ट्यूब इन शेलो बेसिन्स ऑफ वॉटर और ये कैसा रहता है इसको कोशिश उन्होंने करी की उसको एक ग्लास ट्यूब में जो की शेलो बेसिन्स ऑफ वॉटर होता है उसमें रखने की कोशिश

तो अभी ये ओपन वे में और ये पूरा इस बेसिन में जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जैसे हमने यहाँ पर इसको जेरिंग प्रोवाइड करी इस बेसिन को इसमें थोड़ा सा मैकेनिकल शॉक दिया तो ये जो नैरीज इतना बड़ा था फुल छोटा सा सुखड़ कर इतना सा हो जाता है यानी अपने सेगमेंट्स को श्रिंक कर लेता है ये सब सेगमेंट्स है इसके तो अपने सेगमेंट्स को इसने यहाँ पर श्रिंक कर लिया और एक रैपिड रिट्रैक्शन उसके हेड में आता है अपने सिर को पीछे करता है और क्या होता है द इमर्ज अगेन विद इन अ मिनट और बाद में ये देखता है कि जैसे ही मैकेनिकल शॉक बंद हुआ तो ये वापस कोशिश करता है कि अब मैं वापस खुलूँ और उस बेसिन में जाने की कोशिश करूँ वापस से स्टिमूलाए प्रोवाइड किया जाता है स्टिमुलाय क्या है यहाँ पर जेरिंग ऑफ बेसिन फिर से यानी जेरिंग ऑफ बेसिन की जाती है रिपीटेडली की जाती है फ्रीक्वेंटली की जाती है तो ये ऑब्जर्व किया गया जो प्रपोर्शन था वॉर्म्स का रिस्पॉन्स का वो फेल डाउन हो गया वो बंद हो गया और फाइनली वैनिश हो गया यानी खत्म हो गया तो पहले तो वो थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छे से दे रहा था बाद में थोड़ा कम हो गया कम होने के बाद रिस्पॉन्स पूरी तरह से बंद हो गया यानी कि उसको अगेन हैबिट हो गई उस चीज़ की वो हैबिचुएशन में उसके आ गई नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास अब इम्प्रिंटिंग टाइप की लर्निंग तो अब हम देख लेते हैं इम्प्रिंटिंग को ये एक फॉर्म होता है लर्निंग का जो कि अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ में मेनली आता है इसको इम्प्रिंटिंग कहा जाता है अब मैं यहाँ शुरू में इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ जैसे हैबिचुएशन का मतलब हैबिट में आना था अब इम्प्रिंटिंग का मतलब है एक तरह से जो इस इनकी आईज होती है ऑर्गेनिज्म की उसमें कुछ तरह से इम्प्रिंट हो जाता है उनकी आंखों में एक तस्वीर बन जाती है फोटो आ जाता है कि इस तरह से चीज़ें हमें करनी है अब इसको समझ से बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स होंगे इसमें समटाइम्स पर्टिकुलर पर्टिकुलर अर्ली एक्सपीरियंस इज रिटेन्ड थ्रू आउट लाइफ कभी कभी क्या होता है शुरू में आप जिंदगी में जो एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं वो हमेशा हमेशा पूरे लाइफ टाइम के लिए फुल जिंदगी के अंदर वो आपके अंदर एक्सपीरियंस याद रह जाते हैं जिसे हम कभी भूल नहीं पाते सो इट इज विद बिहेवियर बिहेवियर लेकिन उसके साथ हमारा भी कंसर्न रहता है, जुड़ा होता है एलिसटेड बाय पर्टिकुलर विजुअल ऑडिटरी ऑल्फैक्ट्री और टेक्सटाइल स्टिमला जिसमें विजुअल ऑडिट्री फैक्ट्री टेक्टाइल स्टिम्यूला सभी जुड़े होते हैं अब क्या हुआ एक लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट थे हु इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद गीज एक लॉरेंस के साइंटिस्ट थे उन्होंने गीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गीज़ कुछ नहीं है एक तरह के बर्ड होती है आप उसको नेट पे देखेंगे या फिर मैं स्क्रीन पे शो भी कर दूंगी बाद में तो आप उनको देखेंगे तो गीज़ किस तरह का ऑर्गेनिज्म होते तो हम वैसे देख ही लेते हैं तो ये गूस का फोटो है गीज उसका प्लूरल होता है तो मैंने यहाँ पे उसका फिगर भी आपको शो कर दिया आपको ऑब्जर्व तो इन्होंने क्या पाया ये जो लॉरेंस नाम आपके साइंटिस्ट थे इन्होंने देखा ही फाउंड दैट ब्रूड्स ऑफ गीज जो गीज का पूरा ग्रुप होता है या फिर उनके ब्रूड्स जो होते हैं फॉलो द ऑब्जेक्ट इट लुक्स और हियर्स जस्ट आफ्टर हैचिंग जैसी इस डग जैसी जो गूज होता है इसकी जैसी एग्स जो होते हैं वो जब हैच करते हैं यानी कि बच्चे बाहर आते हैं अंडे के अंदर से हैचिंग उसको कहा जाता है तो उन्हों को पहली बार में जो भी चीज़ दिखती है वो उसी को अपना पेरेंट समझ लेते हैं और वो जो भी चीज़ करेगा फिर उसी को वो फॉलो करते हैं तो इट विल डू सो कम्प्लीटली इग्नोरिंग एन वो दूसरी चीज पे ध्यान ही नहीं देंगे वो सिर्फ ये देखेंगे कि जब एग में से वो बाहर है वो ये देखेंगे कि सामने वाला ऑर्गेनिज्म जो कर रहा है हमको भी वही करना है तो अब उनके सामने जो पहली बार उन्होंने ये एग्स को उठा लिया एग्स करते हैं उसमें से ये बर्ड बाहर आता है और लॉरेंस ने क्या करा उनकी मदर को उनसे दूर कर दिया यानी कि जब जैसे ही पहली बार इन बच्चों की आंखें खुली तो उन्होंने देखा सामने जो खड़े थे उनका नाम था लॉरेंस लॉरेंस उनके सामने थे अब लॉरेंस ने क्या करा लॉरेंस कैप द मदर गीज अवे फ्रॉम हैचिंग उन्होंने मदर को दूर कर दिया इन ब्रूट से इन छोटे बच्चों से जिनको गूजलिंग कहा जाता है या फिर यंग गीज कहा जाता है इनके बच्चों को गूजलिंग कहा जाता है जैसे लायन के बच्चे को कब कहते हैं एंड केप्ट हिमसेल्फ स्टैंडिंग देयर और वहीं खड़े रहे ताकि उन बच्चों की आंखों में इनका फोटो आ जाए ही गॉड ब्रूट्स ऑफ गूजलिंग टू फॉलो हिम इवन इफ इट सीज इट्स मदर अलॉन्ग दी वे और उन्होंने ये देखा कि अब जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे या वो कोई मूवमेंट शो कर रहे थे आगे जा रहे थे वैसे ही ये बच्चे भी उनके पीछे बिछा रहे थे लेकिन फिर बाद में उनकी मदर को भी सामने लेकर आया गया तो वो बच्चों ने ये नहीं देखा कि उन की मदर उस टाइम पर क्या कर रही बल्कि उन्होंने यह देखा कि उस टाइम पे लॉरेंस क्या कर रहे हैं तो लॉरेंस को उन्होंने अपनी मदर मान लिया उनकी लॉरेंस की एक तरह की फोटो उनके माइंड में इम्प्रिंट हो गई छप गई जिसकी वजह से वो उसी के ऊपर ध्यान देने लगे तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे वो आप कभी भी नहीं भूल सकते थे हेनवॉर्थ नाम के जो थे हैज ऑल्सो फाउंड द सेम रिजल्ट हेनवर्थ नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी सेम तरह का रिजल्ट देखा लेकिन उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म लिया था वो था चिक यानी Uh, जो चीक होते हैं हमने सबने देखा है फिर अ गुड वर्क ऑन इम्प्रिंटिंग हैज बीन कैरिड आउट यूजिंग दोज वर्ड विच हैीकॉशियल आ, उन बर्ड्स के ऊपर ज्यादातर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जो कि प्रिकॉशियल यंग होते हैं अच्छे खासे जिनमें यंगनेस हो और जो पहली बार हैच हो रहे हैं उनको पूरी सराउंडिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता उनके साथ ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो ये चिक के बारे में भी था अब क्या होता है इम्प्रिंटिंग के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं यहां पर तो इम्प्रिटिंग एक तरह का फिनोमेना है अच्छा मैं यहाँ पे फिगर शो करूँ ये फिगर है पहले इसको देखना जरूरी है जो हम टेक्स देख रहे थे उससे पहले तो ये लॉरेंस थे और ये छोटे छोटे गूसलिंग्स थे जो उनके पीछे पीछे आए थे तो केस ऑफ इम्प्रिंटिंग शोन बाय लॉरेंस

जितना यंग कोई भी एनिमल होगा उतना ज़्यादा उसको डोमेस्टिकेट करने में उसको पालतू बनाना आसान होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइन के बड़े लाइन को कर ला पालतू बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी और ना कि बराबर है कि हम उसको इस तरह का बना सकें कि वो हमको नहीं मारे बाद में तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा यानी अगर हम लायन के बच्चे को यानि कि कब को लेकर आएंगे और उसको पालने की कोशिश करेंगे तो वह घरेलू टाइप का हो जाएगा और फिर किसी इंसान को नहीं मारेगा किल करने की कोशिश नहीं करेगा वो फ्रेंडली नेचर का उसके साथ हो जाएगा एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पर देती हूँ जैसे कि कैट और डॉग्स का कैट और डॉग सभी को पता है एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं जहाँ डॉग्स जो होते हैं कैट्स को देख लेते हैं वो उनको मार देते हैं वो उनको ईट नहीं करते लेकिन वो उनको मार देते हैं अब जो ये कैट्स और डॉग्स का एग्जांपल है इसमें अगर एक चीज़ देखें तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन है लेकिन अगर इन कैट्स और डॉग को बचपन से दोनों छोटे छोटे हैं और इनको मिलजुल कर हमने एक साथ पाला तो दोनों को डोमेस्टिकेट एक साथ किया दोनों की पैटिंग एक साथ की तो देखने को ये मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते और मिलजुल कर रहते हैं तो ये जो चीज़ थी यानी कि हमने उनको बचपन से कोई चीज़ की आदत डाल दी तो जितना छोटा यंगर ऑर्गेनिज्म होता है उसको वो चीज़ सिखाना आसान होती है बजाय कि हम किसी बड़े एनिमल को लाके वो चीज़ सिखाने की कोशिश करें तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर था कि उनकी टेमिंग पॉसिबल नहीं होगी अब ऑर्फन लेम्ब्स जो होते हैं लेम्ब्स जो होते हैं यानी कि जो भेड़ होती है ऑर्फन वाली रियर्ड बाई ह्यूमस जिनको ह्यूमन रियर करते हैं फॉलो देम अबाउट एंड ऑफन शो लिटिल अट्रैक्शन टूवर्ड्स अदर्स शीप शीप थ्रू शीप जनरल टेंडेंसी इज़ टू लिव इन ग्रुप अब क्या होता है ऐसी sheep, भेड़ जिनको हम पाल लेते हैं बचपन से तो ये बताया जा रहा है कि वो हमारे साथ साथ रहना पसंद करती है वो हमारे पीछे पीछे आती है जबकि मेनली जो शीप होती है भेड़ होती है उनका बिहेवियर ये होता है कि वो आपस में रहना पसंद करती है एक ग्रुप में रहना पसंद करती है ह्यूमन के पास आना उनको पसंद नहीं होता लेकिन अगर हमने उनकी कोशिश करी तो हमारे पास आने की भी कोशिश करती है और वो हमारे

हाथों से जिसको पाला पोसा गया और रियरिंग की गई हो ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो बाद में वो ब्रीडिंग की कैपेबल नहीं रहता जब वो मैच्योर हो जाते है क्योंकि उसको उन सारी चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं रहेगा कि एक नेचुरल जो इन्वायरमेंट uh, होता है एक नेचुरल जो टेंडेंसी होती है किसी ऑर्गेनिज्म की वो उसमें नहीं आ पाती तो जो ब्रीडिंग होती है बिहेवियर ऑफ एमल्स की इज़ वेरी मच डोमिनेटेड बाय द सेंस ऑफ स्मेल क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट होती है सेंस ऑफ स्मेल से एंड एंड इट इज परैप्स नॉट सरप्राइजिंग टू फाइंड दैट देर अर्ली ऑल फैक्ट्री एक्सपीरियंस

तो फेरोमोन्स की वो चॉइस जो होती है मेट की वो नहीं समझ पाते उनको उसका कोई नॉलेज नहीं होता कि ये सारी चीज़ें जो भी होगी जो डेवलपमेंट होता है सोशल रिस्पोंसेस का इन मैन ऑल्सो डिपेंड ऑन अर्ली एक्सपीरियंस अब किसी ह्यूमन का भी डेवलपमेंट अगर हम देख लें तो वो भी डिपेंड करता है हमारे अर्ली एक्सपीरियंसिस में हमने बचपन में क्या सीखा है तो एक छोटे बच्चे को अगर गलत चीज़ सिखा दी जाए बचपन में कि चोरी करी जाए या फिर कुछ गलत सिखा दिया जाए तो वो बड़े होकर भी वही चीज़ करेगा तो बजाय उसको मॉरल वैल्यूज़ उसके चाइल्डहुड में देना ज़रूरी है तो बॉ नाम के जो साइंटिस्ट है नाइनटीन की बात थी हैज़ डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ बेबी टू इट्स मदर उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि जो एक बेबी होता है अपनी मदर से कितना अटैच्ड रहता है विच ड्रॉस एक्सटेंसिवली फ्रॉम द एनिमल एक्सपेरिमेंट जो कि उन्होंने पूरी तरह से एनिमल एक्सपेरिमेंट से ही सीखा था

लेती है तो बहुत जरूरी है उसकी मदर आ, मदर चाइल्ड का जो अटैचमेंट है वो यहां पर बहुत जरूरी है नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स कंडीशन रिफ्लेक्स के अंदर देखना है तो रिफ्लेक्स एक्शन शोन अंडर सम कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन रिफ्लेक्स अगर रिफ्लेक्स एक्शन को कुछ सर्टन uh, कंडीशन के अंदर देखा जाए तो उसको कंडीशन रिफ्लेक्स कहा जाता है इवन पेवलोव नाम के जो साइंटिस्ट थे 1849 फोर्टी नाइन टू नाइनटीन थर्टी सिक्स की बात थी रशियन फिजियोलॉजिस्ट एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे वॉज रियली वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी उन्होंने सबसे ज़्यादा जरूरी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बारे में बताया था आर आउट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैकेजम ऑफ कंडीशन इज़ बेस्ड ऑन द पेवलॉक्स क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग आज हमारे अंदर ये जो कंडीशन रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सेज या फिर रिफ्लेक्स के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसीलिए है क्योंकि जो पेवलॉव थे उन्होंने एक तरह का क्लासिकल एक्सपेरिमेंट किया था वो भी डॉग के ऊपर जिसमें उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कंडीशन रिफ्लेक्स को अभी मैं आगे उसको डिस्कस करूँगी रिफ्लेक्स को नेक्स्ट है पेवलॉव प्लेज अब उन्होंने किया क्या था उसका एक्सपेरिमेंट देखते पेवलॉव ने किया क्या था प्लेज दंगरी डॉग ऑन स्टेंट एक हंगरी डॉग को स्टैंड के ऊपर रख दिया था फॉर एग्जाम्पल यह एक स्टैंड बनाया हमने यहाँ पर डॉग को उन्होंने रख दिया था रिस्ट्रेन बाय हार्नेस एंड एवरी प्रिकॉशन वॉज टेकन टू एक्सक्लूड डिस्टर्बेंसेज क्या हुआ था इस डॉग को उन्होंने वहाँ पर हार्नेस के थ्रू जो रस्सी होती है उसके थ्रू वहाँ पर बांध दिया था एंड एवरी प्रिकॉशन हर तरह का प्रकॉशन उसमें उन्होंने लिया था जिससे कि कोई डिस्टर्बेंसेज इनके एक्सपेरिमेंट में नहीं आए इन दिस कंडीशन अ कंट्रोल्ड स्टिविलाई मीट पाउडर वॉज पर्फ इन टू डॉग्स माउथ थ्रू अ ट्यूब और वहीं बैठे बैठे उस डॉग के अंदर उन्होंने क्या करा एक कंडीशन बनाई जिसमें एक कंट्रोल स्ट्यूबिला दिया गया इस डॉग को जिसमें मीट का जो पाउडर होता है वो पर्व किया गया डाला गया डॉग के मुंह के अंदर थ्रू अ ट्यूब ट्यूब के थ्रू सो दिस कॉज द सिक्रीशन ऑफ अ सर्टन अमाउंट ऑफ सलाइवा इसके बाद क्या होता है जो डॉग होता है उसके मुंह में सलाइवा का सिक्रीशन स्टार्ट होता है ही अ लॉन्ग नैरो पाइप फ्रॉम द द सलाइवरी थ्रू चीक ऑफ द डग डॉग सो दैट द ड्रॉप्स ऑफ सलाइवा कुड बी मेजर्ड उन्होंने क्या करा एक नैरो पाइप को उस जो लॉन्ग नैरो पाइप था उसको सलाइवरी डग जो होती है वहां से जो डॉग की थी वहां से उसको जोड़ा और उसको उससे उन्होंने ये चेक करा कि जब हम उसको ये मीट पाउडर दिखा रहे हैं या खिला रहे हैं तो डॉग के अंदर कितने ड्रॉप्स ऑफ सलाइवा बन रहा है उसको मेजर करा ही ब्लो मीट पाउडर इनटू द डॉग्स माउथ उन्होंने डॉग के माउथ में इस पूरे मीट पाउडर को डाला एंड रिकॉर्डेड अमाउंट ऑफ सलाइवा और अमाउंट ऑफ सलाइवा को

उसके बाद उन्होंने क्या करा नेक्स्ट टाइम उन्होंने यही चीज़ करी मीट पाउडर उसके मुंह में डाला और उसके सलाइवे को रिकॉर्ड भी करा लेकिन अब की बार उन्होंने साथ में एक बेल भी यहाँ पर रिंग कर दी एक जो बेल होती है उसको रिंग करने का काम यहाँ पर करा कि बेल भी हम यहाँ पर साथ में रिंग करेंगे रिंग करेंगे उसके बाद क्या होता है दिस प्रोसेस वॉज ऑल्सो रिपीटेड मैनी टाइम्स अब इस प्रोसेस को बार बार किया गया कि डॉग के मुंह में मीट पाउडर को पफ किया जा रहा था उसका सलाइवा रिकॉर्ड किया जा रहा था और साथ में बेल की रिंगिंग भी की जा रही थी वहां पर उसको बेल रिंग करके सुनाई दी जा रही थी आफ्टर मैनी पेयरिंग ऑफ द साउंड ऑफ बेल with मीट पाउडर अब बार बार क्या हो रहा था हर बार हम साउंड ऑफ बेल बजाते थे मीट पाउडर के साथ ऐसा हो रहा था तो मीट पाउडर और बेल साउंड दोनों मिलकर हो रहा था डॉग सेलाइवेट करता था अपॉन हियरिंग द साउंड अब जैसे ही उसने ये देखना बंद कर दिया कि मीट पाउडर उसको मिल रहा है कि नहीं उससे पहले वो जो उस घंटी की आवाज़ होती थी बेल की जो आवाज़ होती थी उसको सुन के वो सलाइवा का सिक्रीशन शुरू कर देता था इवेंचुअली द अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस टू द साउंड ऑफ बेल अलोन वॉज द सेम एज दैट विच वॉज गिवन टू द मीट पाउडर अब उन्होंने ये देखा कि अब बार उन्होंने मीट पाउडर उस डॉग को बिल्कुल भी नहीं दिया यानी मीट उसको मिल ही नहीं रहा है फिर भी बेल वहाँ पर रिंग कर दी तो उन्होंने ये देखा कि डॉग फिर भी उस जो आवाज़ आई उसके बाद ही उसने सलाइवेशन शो करा उसने सलाइवा को सिक्रीट करा यानी कि उसको मीट पाउडर से ज़्यादा अब ध्यान आदत किस चीज़ की, की पड़ गई उसको बेल की आदत पड़ गई कि बेल सुनाई दी तो उसको लगा कि मीट पाउडर भी आएगा और उसका सलाइवेशन उसकी बॉडी में हो गया तो ये एक प्रोसेस थी जो उन्होंने परफॉर्म की थी शुरू में सिर्फ मीट पाउडर की हेल्प ली बाद में उन्होंने मीट पाउडर प्लस जो बेल होती है उसकी हेल्प ली और आखिरी में उन्होंने सिर्फ बेल बजा के रखी मीट पाउडर नहीं दिया तो भी सलाइवेशन आया और इतना ही सलाइवेशन हुआ जो कि इस स्टेज में होता था या फिर इस स्टेज में होता था तो ये एक छोटा सा उनका एक्सपेरिमेंट था इसमें आप जो चीज़ समझने की वो है सो नाउ अब हो क्या रहा है जो डॉग है उसने लर्न कर लिया है टू तो रिस्पॉन्ड तो टू स्टिमुलस नया स्टिमुलस मिलेगा तो कैसे रिस्पॉन्स करना है इच वा, विच वॉस प्रीवियसली न्यूट्रल जो पहले न्यूट्रल था वो चीज पे रिस्पॉन्स मिल रहा है पहले अगर उसको बेल बजाई जाती है अगर डॉग के सामने तो क्या वो रिस्पॉन्ड करता क्या उसमें सलाइवेशन होता तो उसमें नहीं होता और अब उसमें हो रहा है क्योंकि उसको आदत पड़ गई मीट पाउडर के साथ उस बेल को सुनने की तो पेवलॉव ने क्या करा उन्होंने कहा ये जो सलाइवेशन का रिस्पांस है किसी बेल को सुनकर एक तरह का कंडीशन रिफ्लेक्स है जिसको सीआर कहा जाता है बेल एक तरह का कंडीशन स्टिम्युलस है जिसको सीएस कहा जाता है प्रायर टू लर्निंग लर्निंग से पहले जो मीट पाउडर था वो अनकंडीशनंड स्टिमुलस था जिसमें कोई कंडीशन साथ में नहीं थी तो एक तरह का अनकंडीशनड स्टिमुलस था और सलाइवा जो था वो भी अनकंडीशन रिफ्लेक्स था यानी यू था तो ये सारी चीज़ें कि शुरू में उसको कोई जरूरी नहीं था कि सलाइवेशन कुछ हो जाएगा मीट पाउडर मिलता था तो वो सलाइवेशन करता था लेकिन बाद में उसने एक कंडीशन बना लिया अपने दिमाग में कि बेल बजेगी तो ही खाना मिलेगा इसका मतलब करना है। तो वो कंडीशनिंग हुई है, उसको कहा जाता है।, इसलिए वो है तो ये सारे यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज आ गए इसी वजह से जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसको कहा जाता है कि लर्निंग दैट टेक्स प्लेस वेनिशन स्टिमुलस अगर ऐसी लर्निंग की जा रही है जिसमें एक कंडीशन स्टिमुलस है इस पेयर्ड विशनल एंड स्टिमुलस यानी कि यूसीएस तो क्लासिकल कंडीशनिंग ऐसी लर्निंग है जिसमें आप कंडीशनंड कंडीशनल स्टिमुलस को पेयर करते हो जोड़ते हो अनकंडीशन्ड स्टिमुलस के साथ है ना यूसीएस के साथ तो ये वाली चीज यहाँ पर रिएक्शन थोड़ी सी डेफिनेशन पॉइंट हो गया नेक्स्ट देख और पावलोव ने क्या पाया कि ये जो सीएस और यूसीएस होता है यानी कि कंडीशन रिफ्लेक्स या फिर अनकंडीशन्ड रिफ्लेक्स या फिर स्टिमुलस तो वॉज़ रिपीटेड पेयर जब उनको रिपीटेडली हमने पेयरिंग करके रिपीट करा तो जो स्ट्रेंथ थी सी आर की वो इंक्रीज़ हो गई सी आर तो इंक्रीज़ हो गया लेकिन जो सी एस था अलोन इज रिपीटेड द स्ट्रेंथ ऑफ सी आर डिक्रीज जब सी एस बढ़ रहा है तो सी आर डिक्रीज कर जाएगा दिस वॉज कॉल्ड एक्सटिंक्शन बाय पेवलॉव तो ये जो थीज़ थी उसको एक्सटिंक्शन बाय पेवलॉव कहा जाता है जो कंडीशन थी जो यहाँ फॉर्म्ड हुई थी बाय द एसोसिएशन ऑफ न्यू स्टिमुलस विद अ रिवॉर्ड मीट पाउडर क्योंकि उसको लगता था एक तरह का रिवॉर्ड यहाँ पर उसको मिल रहा है कि हर बार अगर वो बजेगा तो उसके बाद उसको मीट पाउडर मिलेगा सो दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव री हम शुरू से अगर देखा जाए तो एक तरह का पॉजिटिव री रहता है हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमको पता होता है नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए पढ़ रहे हैं तो एक तरह का पॉजिटिव री होता है हम अपग्रेड हो रहे हैं उसमें तो इसीलिए इंसान पढ़ाई भी करता है थोड़ी बहुत जो भी करता है तो उसको पॉजिटिव री कहा जाता है अब क्या होता है अ सी आर यानी कि अब जो सी आर होगा फॉर विड्रॉल कैन ऑल्सो बी फॉर्म बाय एसोसिएशन द एसोसिएटिंग द सी एस अगर हम सी आर को देखें तो इसका अगर विड्रॉल करवाना है इसको रोकना है तो ये भी इसी तरह बनेगा अगर हम इसको सी के साथ जोड़ें विद अ पनिशमेंट और नेगेटिव इन्फोर्समेंट अगर हम चाहते हैं कि इस डॉग में अभी सलाइवेशन ना हो तो हमें क्या करना होगा हर बार हमें बैल तो बजानी होगी बैल बजा के हम उसको मीट पाउडर नहीं देंगे साथ में उसको अगर हम थोड़ा सा बीट करें तो उससे उसको याद हो जाएगा कि नहीं अगर मैं ये करता हूँ में ये सुनकर सलाइवा आया तो मुझे मार पड़ेगी तो उससे एक तरह का नेगेटिव री उसमें पैदा हो जाता है सो एन इलेक्ट्रिक शॉक टू द फूड कॉजेज अ डॉग तो

तो वो सिर्फ साउंड ऑफ बेल भी बाद में अगर हम प्रोवाइड करेंगे बल्कि इलेक्ट्रिक शॉक ना भी दें तो वो भी अपने पैरों को ऊपर उठा लेगा तो इसी तरह से नेगेटिव री भी किया जा सकता है और पॉजिटिव री भी किया जा सकता है तो ये था कंडीशन रिफ्लेक्स सो कंडीशन रिफ्लेक्सेस के बारे में एक थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं कि आर्थोपोर्ड से लेकर चिम्पांजिस कंडीशन रिफ्लेक्स हमें देखने को मिलता है चाहे आर्थ्रोपोडा हो या चिम्पांजिस हो उन सभी में कंडीशन रिफ्लेक्सेस आते हैं बर्ड्स जो होती हैं वो भी लर्न कर लेती हैं कि जो ब्लैक और ऑरेंज कलर के कैटरपिलर्स होते हैं सिनाबर मौत के वो नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसका टेस्ट बहुत बुरा होता है तो शुरू के एक दो बार अगर बर्ड इसको खा लेती है इस तरह के कैटरपिलर को ब्लैक और ऑरेंज कलर के तो वो याद कर लेती है कि इस कैटरपिलर का जो टेस्ट था बहुत ही ईवल था बहुत ही बुरा था तो आगे से उसको वो चीज़ नहीं खानी है नेचर में अगर देखा जाए तो हम रियली ऑब्जर्व करते हैं किसी भी कंडीशन रिफ्लेक्स को प्योर फॉर्म में तो अच्छे से अगर प्योर फॉर्म में देखना है कंडीशन रिफ्लेक्स तो नेचर में तो बड़ा रेयरली ही मिल सकता है और वो अच्छे से कहाँ मिलता है प्योर फॉर्म में वो लेबोरेटरीज में मिलता है अब बीज का एक एग्जाम्पल देते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये बीस की हाइव है तो बीस की हाइव हम यहाँ पर बना रहे हैं कुछ इस तरह से होती है उसकी हाइव थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू नहीं है तो बीज डू नॉट जस्ट लर्न टू एसोसिएट अ कलर विद द नेक्टर रिवॉर्ड बीज में सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो एक कलर देखेगी फ्लावर का और उसको खुशी मिलेगी कि हाँ अब मुझे नेक्टर मिल का रिवॉर्ड मिलने वाला है नेक्टर मिलने वाला है सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि ये भी है कि जो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल इस जगह पर फ्लावर्स प्रेजेंट है यहाँ पर

और यहाँ पर फ्लावर्स है तो वो पूरा डिस्टेंस याद कर लेती है इस जगह पर है फ्लावर्स को याद कर लेती है फ्लावर्स का टाइम याद कर लेती है कि जिस टाइम पर वो नेक्टर को सिक्रीट करेगा तो ये सारी चीज़ें कंडीशन रिफ्लेक्सेस में आती है जो कि आर्थ्रोपोडा से लेकर चिम्पांजीज तक में देखी जाती है फिर हमने एक बर्ड का एग्जाम्पल लिया जिसमें ब्लैक ऑरेंज कैटरपिलर्स वो नहीं खाती जो कि सिनेबर मौत के होते हैं एक या दो ट्रायल में वो सीख लेती है उसके एविल टेस्ट के बारे में और फिर हमने देखा कि प्योर अगर तरह का हमें कंडीशन रिफ्लेक्स देखना है तो लेबोरेटरी में देखने को मिलेगा उसके बाद हमने बीस का एग्जाम्पल लिया कि वो याद कर लेती ग्रुप ऑफ फ्लावर्स की पोजीशन को और उनके हाइव कहां पर तो रास्ता उन्हें याद हो जाता है नेक्स्ट हमारे पास रहेगा ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो कि हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में चेकआउट करेंगे